हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल डॉक्टर मम्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर न्यू मॉम एक न एक बार एक्सपीरियंस करती है और एक न एक बार डाउट होता ही है उनको। ये टॉपिक है, क्या मेरे बच्चे को सफिशिएंट अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है, क्या अपने बच्चे का मैं पेट भर पा रही हूँ। ये डाउट बहुत यूनिवर्सल है, लगभग सभी को होता है, मुझे भी हुआ था। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। जानना इसलिए ज़रूरी है, अगर सही में बच्चे का पेट नहीं भर रहा होगा, सही में अगर ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा होगा, तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, उसके कुछ उपाय हैं, वो हम कर सकते हैं। ये जो समस्या है बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, ये स्पेशली जो ब्रेस्ट फीड वाले बेबी होते हैं उनकी मदद को ही होता है। फॉर्मूला मिल्क देते हैं तब तो मेज़र हो जाता है, लेकिन अगर हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो पता नहीं चलता है बच्चे ने कितना दूध पिया है। ये डाउट और बढ़ जाता है जब लोग हमको बोलने लगते हैं, जैसे ही बच्चा रोया घर वाले लाके दे देते हैं, ये लो बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चा भूखा है। लेकिन हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हर बार जब बच्चा रो रहा है इसका कारण पेट खाली होना नहीं है, कई बार और भी कारण हो सकते हैं। बच्चा दिन भर सोया रहता है, स्टार्टिंग के 4-6 महीने में बच्चों को कोलिक की समस्या होती है, अगर बच्चे ने डायपर गीला कर दिया है, छींची पोटी कुछ कर दिया है, फीड के दौरान भी कई बार बच्चे स्टूल यूरिन पास करते हैं, उस वजह से भी हो सकता है बच्चा डिस्कम्फर्ट में हो, रो रहा हो। कुछ नहीं, बच्चा बोर हो जाता है कई बार, एक ही वो चाहता है आप उसको गोदी लो, इस कारण से भी बच्चा रोता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भूखा है। तो कैसे पता करें कि बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है या नहीं, आइए एक एक करके उन लक्षणों को जानते हैं। सबसे पहला लक्षण है, अगर पूरे 24 घंटे के दौरान अगर बच्चा 6 से ज़्यादा बार यूरिन पास कर रहा है तो बच्चे का पेट पर्याप्त भर रहा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसको मेज़र करना है तो आप एक दिन के लिए कॉटन की नैपीस बनाइए, चाहे डायपर में, कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि बच्चे का यूरिन कितने बार हो रहा है, तो आप रात के समय को छोड़ के दिन भर में आप कॉटन के नैपीस बनाइए और मॉनिटर करिए कितने बार बच्चा यूरिन पास कर रहा है। अगर 6 से ज़्यादा बार यूरिन पास करता है बच्चा, इसका मतलब वो वेल हाइड्रेटेड है। वेल हाइड्रेटेड का मतलब बच्चों की जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि ब्रेस्ट मिल्क में 80% से ज़्यादा वाटर होता है और बच्चे की जितनी भी वाटर की डिमांड होती है वो ब्रेस्ट मिल्क से पूरी हो जाती है। तो अगर बच्चा सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन पास कर रहा है, मतलब बच्चे को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल रहा है, हाइड्रेशन पूरा प्रॉपर हो रहा है, उसकी किडनी बराबर काम कर रही है, उसका सब कुछ सिस्टम बराबर है, तो आपको एक चीज़ पहले ये मॉनिटर करना है बच्चे के यूरिन कितने बार हो रहा है। दूसरा है बच्चे का वेट गेन। बच्चे का वेट गेन होना सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है शुरुआती दिनों में बच्चे के प्रॉपर न्यूट्रिशन का। अगर बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, प्रॉपर उसका वेट गेन जिस हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है किस एज में बच्चे का प्रॉपर वेट कितना होना चाहिए। शुरुआती 6 महीनों में बच्चे का जो वेट गेन होता है वह बहुत रैपिड होता है, इसके लिए आप वेट चार्ट रेफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया है किस तरीके से वेट चार्ट को रीड करना है, तो अगर उस अकॉर्डिंग बच्चे का वेट गेन हो रहा है तो आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग से भी ये सेल्फ डाउट निकाल देना है कि मैं बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करा पा रही हूँ। होता क्या है, बहुत सारे दबाव के कारण फैमिली के, सोसाइटी के, कि इसको सफिशेंट अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा है क्या, तो ये डाउट होने के साथ साथ कई बार किसी सजेशन की वजह से हो सकता है फॉर्मूला मिल्क शुरू कर दें और हो सकता है उसको ब्रेस्ट मिल्क तो प्रॉपर मिल रहा था और वो कोलिक की वजह से रो रहा हो बार बार, आपने फॉर्मूला मिल्क शुरू किया और उसका रोना और बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे फॉर्मूला मिल्क पचा पाए। अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर हो रहा है तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि हम और दूसरे मिल्क भी बच्चे को दें। तो आपको अपने आप पे सबसे पहले सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि आप अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर नहीं हो रहा है उसको बढ़ाने के उपाय देखना है, ना कि हमको ब्रेस्ट मिल्क के अल्टरनेट ढूंढने में दिमाग लगाना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूल पास करना। तो अगर बच्चा 1-2 स्टूल नॉर्मल पास करने लगा है 7 दिन के बाद, तो इसका मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, अगर बच्चा हर 2-3 घंटे में फीड कर रहा है, दिन भर में वो 10 से 12 बार फीड कर रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर अपनी भूख जो है वो मिल्क से पूरी कर रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि कब उसको भूख लग रही है और वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी सक करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उसको टाइम लगता है, तो कुछ बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी अपना पेट भर लेते हैं। हर बच्चा
अलग है। अगर एक माँ के दो बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले वाले ने जैसा किया था दूसरा वाला भी वैसे करे। हर बच्चा, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बच्चा सेटिस्फाइड दिख रहा है, बच्चा प्लेफुल है, खुद ब खुद वो ब्रेस्ट को छोड़ दे रहा है फीड करने के बाद, इसका मतलब उसका पेट भर गया है, बस उसको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है तो उसकी लिप्स और टंग ड्राई दिखेंगी। अगर वो वेट है, इसका मतलब बच्चा हाइड्रेटेड है, उसने सफिशिएंट अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क ले लिया है। सेवेंथ पॉइंट है, अगर बच्चा फीड करने के बाद 2-3 घंटे सो रहा है, इसका मतलब उसका पेट अच्छे से भर गया है। ब्रेस्ट फीड करना बच्चे में अपने आप में एक बड़ा टास्क है। उसकी सारी मसल्स जो होती है माउथ की, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट फीड करते करते ही सो जाते हैं, और जैसे ही ब्रेस्ट फीड कम्प्लीट होता है, उनका पेट जैसे ही भरता है, वो इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि वो बच्चे सो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बच्चा अच्छे से फीड कर लिया है, उसका पेट भर गया है। तो अगर बच्चा निश्चिंत होकर सो रहा है तो आप भी निश्चिंत हो जाइए कि बच्चे का पेट भरा हुआ है। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं फीड करते करते ही सो जाते हैं। 1-2 मिनट फीड किया, उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। वो थक जाते हैं जनरली, और थकने के कारण थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड में पेट में गया और सो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, धीरे धीरे बच्चे के फीड्स को रब करना है। कान के पीछे रब कर सकते हैं आप, बच्चे के बैक में रब कर सकते हैं, इससे वो स्टिमुलेट होंगे और वो फीड करना वापस से शुरू कर देंगे। ये जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं शुरुआती में, ये दिक्कत आती है, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको अपने भूख का एहसास होता है, और ये सारी तकलीफें भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ब्रेस्ट का लाइट फील होना। मतलब जैसे ही माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ब्रेस्ट थोड़ा लाइट फील होता है, सॉफ्ट फील होने लगता है। जो इंगॉर्जमेंट हो रहा था पहले, वो कम हो जाता है। इसका मतलब ब्रेस्ट एम्प्टी हो गया है। जो एम्प्टी हुआ है, मतलब बच्चे के पेट में पहुँच गया है मिल्क, तो मतलब बच्चे ने प्रॉपर मिल्क ले लिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जब बच्चा सक करता है, बहुत जल्दी जल्दी सक करता है, तो थ्रोट की मूवमेंट आपको दिखेगी, जल्दी जल्दी वो मूव हो रहा होगा। दूसरा, स्वेलो करता है बच्चा जल्दी, गट गट की आवाज आएगी, मतलब मूवमेंट हो रही है थ्रोट की, वो सक करके मुंह मिल्क में ले रहा है, और जब गट गट की आवाज आ रही है, मतलब वो जल्दी जल्दी स्वेलो कर रहा है। इसका मतलब उसकी फीडिंग जो है, अटैचमेंट जो लैचिंग है, वो प्रॉपर है, उसको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। कुछ मदर्स को ये भी डाउट रहता है कि मेरा बच्चा जो पहला वाला था, वो तो काफी लंबे समय तक फीड करता था, ये वाला तो बहुत जल्दी फीड कर लेता है, बहुत जल्दी ब्रेस्ट को छोड़ देता है। होता क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं जिसमें अगर प्रॉपर लैचिंग नहीं होती है, प्रॉपर लैचिंग का मतलब निप्पल्स के अराउंड जो एरियोला है, अगर वो भी बच्चे के मुंह के अंदर है, इसका मतलब वो अच्छे से लैच है। इस कंडीशन में क्या होता है, हर एक सक में बहुत सारा अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जाता है मुंह के अंदर, और धीरे से पेट में जा रहा है, इसलिए वो बहुत जल्दी टाइम में, बहुत कम टाइम में ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सक कर सकता है, स्वेलो कर सकता है। लेकिन अगर लैचिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो वो सफिशिएंट अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मिल्क डक्ट्स को। इससे क्या होगा, थोड़ा 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 मिल्क रिलीज होगा हर एक सक में, जिससे क्या होगा, उसको उतने ही अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पीने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करें, अगर वो जल्दी जल्दी पी रहा है और आपका ब्रेस्ट लाइट फील हो रहा है, सॉफ्ट फील हो रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे ने प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क फीड कर लिया है बहुत ही कम टाइम में, तो ये तो और अच्छी बात है। और सारे लक्षण आपको देखने हैं, अगर बच्चे का प्रॉपर वेट गेन हो रहा है, बच्चा सेटिस्फाइड लग रहा है, सो रहा है टाइम टू टाइम, यूरिन प्रॉपर हो रही है उसकी, इसका मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई और अल्टरनेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जैसा ही आप कर रहे हैं वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर ये लक्षण नहीं है, बच्चे का वेट गेन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, यूरिन प्रॉपर नहीं हो रही है, देन आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा होगा तो सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के उपाय देखे जाएंगे। ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो किया है किस तरीके से आप ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अगर उसको बढ़ाने के बाद आपको ये सारे लक्षण वापस से दिखने लगे, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ होने लग रही है, तो अगेन आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के उपाय जानने के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं बढ़ रहा है सप्लाई, देन आपको एक बार लैक्टेशन कंसल्टेंट या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।